अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद आज एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। फ़ौज में तीन रिटायर्ड अफसरान को गिरफ़्तार कर लिया गया है और बताया यही जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक ये फैज़ हमीद के तीन साथी हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है। ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सियासी गठजोड़ की तहकीकात भी इस सिलसिले में जारी हैं। ज़राए के मुताबिक ये जो तीनों अफसरान जिनको गिरफ़्तार किया गया है ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के सीनियर अफसरान हैं। साथ ही साथ खबर ये भी कि अडियाला जेल के कुछ अफसरान जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो इमरान खान को जेल में सहूलियात फराहम कर रहे थे, राबताकारी में उनका काफ़ी किरदार था, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और बड़ी संगीन तहकीकात क्रैकडाउन इस सिलसिले में हो रहा है। ये सारा कुछ और इसके साथ साथ इमरान खान का दिलचस्प बयान जिसमें आज अडियाला में गुफ्तगू करते हुए जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा तो फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है फैज़ हमीद से। हाँ, अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में मैं समझता था कि उसको स्टे करना चाहिए था, वो एक हमारे मुल्क का असासा है और मैं समझता हूँ कि हमने उस असासे को ज़ाया कर दिया। ये भी कहा कि मैं तो बार बार जनरल बाजवा से ये कहता था कि जनरल फैज़ को ना हटाएं, जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को हटाया, मेरी तो जनरल बाजवा से लड़ाई भी हुई इस मामले के ऊपर। अब जमा खातिर वो गिरफ्तारियाँ जो फ़ौज के अंदर हुई हैं, वो गिरफ्तारियां और एक्शन जो कि इमरान खान को जेल में सहूलियात के सिलसिले में हुआ है और फिर इमरान खान का ये बयान, क्या समझते हैं हमारे तजियाकार इस सब से तहरीक इंसाफ एज ए जमात और बानी तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान पहुंचेगा? हम इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें मज़र अब्बास साहब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं। लाहौर से हमें भट्टी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और शहजाद इकबाल साहब और महमूद सरफराज साहब स्काइप के थ्रू हमारे साथ हैं। शहजाद, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या समझते हैं, क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं खासकर आज जो बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं तीन फौजियों की, साबिक फौजियों की, उस सिलसिले में क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, एक तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को जब तीन दिन पहले गिरफ्तार किया गया, प्रेस रिलीज आई, तो उसमें दो बातें थी। एक तो वो टॉप सिटी केस वाला मामला था और दूसरा पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी एक्टिविटीज थी जिसपे हम सब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एक्जैक्टली वो क्या है, क्योंकि उसका जिक्र प्रेस रिलीज में नहीं है। लेकिन आज जो प्रेस रिलीज आई है उससे तो ये बहुत हद तक वाजे है कि पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से वो सियासी अदम इस्तेकाम लाना चाहते थे, जिस हवाले से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जारी है। तो ये मेरे ख्याल से वाजे हो चुका है कि इशारा शायद तहरीके इंसाफ की तरफ ही है कि उनके साथ मिलकर वो सियासी अदम इस्तेकाम चाहते थे और उनका जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट था उसको वो सर्व कर रहे थे। अब एग्जैक्टली कौन से वाकयात हैं उस पर आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर से लेके सेनेटर फैसल वाडा कई बातें कर रहे हैं, कई दावे कर रहे हैं, कई स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि ये 9 मई भी हो सकता है। फैसल वाडा ने तो इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी भी जनरल फैज पर डाली है। तो ये तो एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि टॉप सिटी के अलावा जो मामला है वो ज्यादा संगीन है। तो ये जो अब कितने लोग हैं ये हमें नहीं पता, एग्जैक्टली क्या केस है ये हमें नहीं पता। बट ये जो इमरान खान साहब ने आज बात की है कि सिर्फ मैं अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से चाहता था, मुझे लगता है ये बात दुरुस्त नहीं है। खुद इमरान खान बाद में अपनी हुकूमत जाने के बाद ये बार बार बता चुके हैं कि एजेंसीज ने उनकी किस हद तक मदद की है, चाहे वो कौमी असेंबली में सेनेट में बिल पास कराने के हवाले से हों, चाहे इत्तेहादियों को मैनेज करने के हवाले से हों। तो जो भी सर्व कर रहे थे जब एज ए DGISF फैज़ हमीद, तो सिर्फ उनका ये काम नहीं था कि वो अफगानिस्तान या एक्सटर्नल सिचुएशन को जो हैंडल करे, वो पॉलिटिकली भी इमरान खान को और PTI की हुकूमत को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। तो ये मेरे ख्याल से इमरान खान बड़ा एक सादा सा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए मैं उनको चाहता था। और तलखी वगैरह हुई थी तो बिल्कुल साफ बात है, उस वक्त के जो वफाकी वज़रा थे ये हमें बता रहे थे कि इतना लाउड थे वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि कमरे के बाहर आवाजें आ रही थी जनरल बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की। ये एक से दो वफाकी वजीर हैं जो कन्फर्म कर रहे थे कि इस हद तक हालात खराब हो गए थे। और फिर बाद में कुछ वज़रा जो है वो जाके मिले भी जनरल बाजवा साहब से और मामले को एक रफा दफा करवाने की कोशिश की। और वहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये भी हुआ, एक वफाकी वजीर ने कहा कि देखिए थोड़ा सा एक कानून और असूल को अगर फॉलो कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वहां पे पूरी उनको एक फेरिस्त गिरवाई गई थी कि जब RTS बैठा था तो वो किसी आइन के तहत हुआ था और इससे पहले जो सारा पनामा का केस हुआ और दीगर मामला जो होते रहे क्या वो सारे आइन के मुताबिक होते रहे, तो उनको ये कह के एक शटअप कॉल दे दी गई थी वहां पर। तो ये मामला तो मेरे ख्याल से सामने हैं, एग्जैक्टली क्या केसेस है मुझे नहीं पता, पर जो अभी आपका सवाल है कि तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, किस सेंस में ये सवाल है, यानी कि अगर ये बात है कि वो इक्तदार में नहीं आ सकते, उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी, तो मेरे ख्याल से उस हवाले से स्टेटस को है जो मुश्किलात है वो कंटिन्यू रहेंगी।
अगर इस पैराए में यह सवाल है कि उनकी मकबूलियत में किसी किस्म की कमी आएगी, क्योंकि सियासी पार्टीज के लिए बहरहाल ये भी मैटर करता है, तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की मकबूलियत पे इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। तो जो मुश्किलात है वो कंटिन्यू होंगी, मजीद कोई इसमें तहरीक इंसाफ के लिए क्या कोई मुश्किलात होंगी या कोई उनको नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई मजीद नुकसान होगा। जो नुकसान ऑलरेडी हो रहा है, जो स्टेटस को है वो जारी रहेगा। अच्छा, ये भी इसमें जरा पहलू शामिल कीजिएगा कि हम देखते थे तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं से उनको रिलीफ मिल जाता था, तहरीक इंसाफ को बहुत सारे सियासी महाज पर बयानियाँ बनाने में खास तौर पर यू नो मदद मिलती थी, कहीं ना कहीं से ये बार बार बात होती थी कि सहूलतकारी है। क्या समझते हैं आप जो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन है उसमें वो चीज भी थोड़ी सी मजीद उस पे सख्ती होगी? यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर सहूलतकारी आज तक जारी थी तो अब वो नहीं हो पाएगी? अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट वाला मामला है वो उससे जुड़ा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इमरान खान को कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से पास ऑन हो रही थी जिसमें ये रिटायर्ड अफसरान भी मुलविस थे और उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी, इस हवाले से कोई मामला है तो शायद उनको ये नुकसान जरूर होगा, वो इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जो है बंद हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो ताल्लुकात है इमरान खान के वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बुरे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बार बार ये पैगाम दिया है कि किसी किस्म की लचक ना 9 मई में आनी है ना मुजाकरात होने, तो मेरे ख्याल से जितना नुकसान है उतना ही होगा, इससे मजीद कोई मुझे सियासी नुकसान तो नहीं नजर आ रहा। नहीं नजर आ रहा आपको? इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या तहरीके इंसाफ को इससे मजीद कोई नुकसान या गज पहुंचती हुई नजर आ रही है? मैडम शेख, एक तो पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जन फैज जैसे आप बता रही हैं कि हमारा असासा थे जिसे जाया कर दिया गया, फौज जनरल फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये इनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या, एहतसाब कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन सबका एहतसाब करें। और दूसरी बात कि उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया था और नवाज शहबाज की ये शर्त थी कि जनरल फैज को अहदे से हटाया जाए और वरना जनरल फैज जो है वो तो अफगानिस्तान और तालिबान से इंगेज थे, जलमे खलीलजाद को मेरे पास लाए और दहशतगर्दी ख़त्म हो जानी थी अगर वो कुछ और अरसा काम करते, और ये भी मुझे पता था कि जनरल फैज हटेंगे तो मेरी हुकूमत चली जाएगी, ये भी इमरान खान ने कहा है। और इमरान खान ने ये भी कहा है कि आज के जो स्पीकर पंजाब असम्बली है, आईबी रिपोर्ट दिया करती थी कि ये हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे हुए हैं और जनरल फैज को हटाने पर मेरी और जनरल बाजवा की तल्ख कलामी भी हुई। और बाकी ख्वाजा आसफ कह रहे हैं कि फैज हमीद का तल्लक बराह रास्त 9 मई से है। मैडम शेख, दूसरा जो सवाल है इस पे बड़े जो सुना जा रहा है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई हतमी तौर पर कोई रिटर्न या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तवक्को की जा रही है कि होगी वो अभी तक तो सामने नहीं आया, लेकिन ये है कि ये जेन में रहे कि जो सुना जा रहा है इसके मुताबिक अभी ये इब्तदा है, अभी बहुत थोड़ा है ये जो कुछ सामने आया जो सुना जा रहा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत सी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और मैडम शेख, ये दो इस एट ए टाइम चीज़ें चल रही हैं। एक है डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम साहब का, जिनको 22 जून को हटा दिया गया था, और ये 24 तकरीबन सुबह से लेकर शाम इमरान खान साहब के सोने तक उनके साथ होते थे, और उसमें असिस्टेंट नाजम शाह, डिप्टी सुप्रीडेंट जफर गौरी, असिस्टेंट सुप्रीडेंट बिलाल गिरफ्तार हैं और 6 और लोगों से भी तफ्तीश हो रही है। इल्ज़ाम क्या है कि खुफिया पैगाम रसानी था, खुफिया तौर पर पैगाम ले जाते थे और लाते थे, खुफिया पैगाम पहुंचाते थे, मोबाइल टेलीफोन तक बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की रसाई थी, और 3 उस टेलीफोन में बैरून मुल्क भी रबते थे जिनमें एक मुबैना तौर पर जुल्फी बुखारी साहब का नाम आ रहा है, और मुख्तलिफ सहूलतें मुहैया करना, और इस नेटवर्क का जनरल फैज से ताल्लुक है ये सुना जा रहा है, अभी तक इस बारे में कोई मुकम्मल नहीं इतला। दूसरी तरफ जनरल फैज हमीद हैं और ब्रिगेडियर गफार, ब्रिगेडियर नईम और कर्नल आसम हैं और 8 और अफराद जेर हिरासत हैं। अब इसमें मैडम शेख टॉप सिटी केस है, वो तो आपके सामने हम डिस्कस कर चुके हैं। 9 मई में जनरल फैज और बाकियों का किरदार, पीटीआई की सहूलतकारी, मुल्की मफाद या मुल्की सलामती के खिलाफ काम और दबाव बढ़ाकर फौज में बगावत की कोशिश, हसास मालूमात शेयरिंग पीटीआई के हक में,
बहसीयत कोर कमांडर सियासी किरदार, रिटायरमेंट के बाद सियासी किरदार, ये हैं वो इल्ज़ाम। और इसमें मैडम शेख एक और भी है कि मौजूदा आर्मी चीफ ना बन पाए, लॉन्ग मार्च जो हुआ ये इल्ज़ाम है, और इसके हवाले से जो कोशिशें हुई फौज पे दबाव डालने की, और ये भी बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर जनरल फैज ये केस लेकर जाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट, जब उमर अताब बंदियाल चीफ जस्टिस थे, के केस ले जाना चाहते थे कि वो तो रिटायर हो गए चार दिन पहले, तो जिस पे हुकूमत ने खसूसी एक्सटेंशन दी थी या कानून साजी की थी उनके 29 नवंबर तक की, तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि चूंकि इनडायरेक्ट ये पटिशन नहीं लाई जा सकती, मुतासरा फरीक लाया जा आए तो फिर ये पटिशन सुनी जा सकती है, इसलिए ये मामला आगे। चीजें जो हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ के मुतल्लिक है, ये जन फैज हमीद पे इस जो चार्जशीट है उससे निकाल दी गई है, ये कहा गया है कि ये पर्सनल हो जाएगा लिहाजा ये इसमें शामिल हम नहीं करेंगे। अब मैडम शेख अडियाला जेल जी, ये जो के आर्मी चीफ ना बन पाए, मौजूदा आर्मी चीफ ना बन पाए, इस हवाले से जो क्वेश्चन थी। अच्छा, अब मैडम शेख अडियाला जेल नेटवर्क की तफ्तीश तहकीक कब शुरू हुई? जब पहली तस्वीर बताया जा रहा है कि वायरल हुई जो जेल के अंदर से थी और इमरान खान साहब की, और दूसरी जब वो वीडियो लिंक पेशी पर थे तो जो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं बताया जा रहा है, अडियाला जेल से हुई थी, जिसमें वो ऑफ वो स्काई कलर की एक टी शर्ट पहन के बैठे थे। अच्छा, अब बताया जा रहा है कि जनरल फैज हमीद की मॉनिटरिंग हो रही थी, कुछ अपनों ने भी मालूमात दी, और वो हो सकता है किसी मरहले पर वादा माफ गवाह भी बन जाए। अच्छा। एक इनका बहुत अरसे पहले बताया जा रहा है कि मोबाइल टेलीफोन चोरी हुआ था और उससे भी काफी कुछ रिकॉर्ड मिला, चकवाल से गालबन चोरी हुआ था, दफ्तर छापा जो पड़ा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मरकजी दफ्तर पर, और जो कंप्यूटर्स और रिकॉर्ड मिला है उससे भी बहुत कुछ पता चला है, चकवाल और इस्लामाबाद की रिहायश गांव पर छापों से जो मिला है वो भी पता चला है, और जो जनरल फैज हमीद और जो अब पकड़े गए हैं लोग हैं इनका मोबाइल डेटा भी सुना है, पकड़ा है, इनसे भी बहुत चीजें मिली हैं। मैडम शेख, अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि कई पुल सरात अबूर करने हैं। पहला कि ये सवाल भी है कि टॉप सिटी पे 5 साल खामोशी क्यों थी, और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के आने के बाद 2 साल खामोशी क्यों थी, और इस तासर को जायल करना, और इसमें बड़ी केयर की जा रही है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है फौजी की आदत है वो जनरल फैज के खिलाफ है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, और ये साबित करना कि अडियाला जेल नेटवर्क और जनरल फैज नेटवर्क आपस में ये ताल्लुक है कोई, ये साबित करना, और साबित करना कि मुल्की मफाद के खिलाफ पाक फौज के खिलाफ सियासी फायदा पहुंचाने के या जो कुछ हो रहा था वो वाकई वही हो रहा था, और सबूतों से अदालत को मुतमैन करना। और अभी इसमें बहुत कुछ ऐसी हैं जो मैडम शेख इस वक्त मैं पता तो हैं लेकिन बताई नहीं जा सकती, क्योंकि अभी वो एक वो क्या सराइयां होंगी, अफवाहबाजी होगी। अच्छा। तो ये वो चीजें हैं जो मुबैना तौर पर किसी ना किसी तरीके से सामने आ गई हैं। अब आपने वो सवाल है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नुकसान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ने बयानियां शुरू कर दिया है कि ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो भी लाइक माइंडेड है तरीके इंसाफ का उस पर क्रैकडाउन किया जाए, और वक्ती तौर पर पीटीआई दबाव में है, बैकफुट पर है, और अगर सब आखिरी दो बातें अगर सब कड़ियां मिलाई जाए मिल गई आपस में जो बताया जा रहा है, और अगर सबूत जो बताए जा रहे हैं कि हैं वो सामने रख कर अदालतों को मुतमैन कर दिया गया तो फिर तो नुकसान हो सकता है, वरना सब कुछ फायर बैक भी हो सकता है और इंतकामी कार्रवाई भी लगेगी और उल्टा फायदा होगा तरीके इंसाफ को। लेकिन इस वक्त डेफिनेटली ये बड़े दोनों चीजें हैं, और ये इन दोनों चीजों पर आपको मैं बता दूं अगले दिनों में बड़े नामों को भी इन्वेस्टिगेशन में लाया जा सकता है और चंद बड़े नाम भी इस अच्छा। सारी चीजों में आ सकते हैं। सर पहले तो ये बताएं कि मजीद भी क्या कोई गिरफ्तारियां हो सकती हैं सिलसिले में? जी मैडम शेख, हो सकती हैं, सियासी भी और गैर सियासी भी। अच्छा, कितनी? मैडम शेख अभी तो यानी दर्जनों का लफ्ज इस्तेमाल किया अच्छा। गया था, मुझे अब दर्जनों में पता नहीं कितने दर्जन हैं, या अभी देखिए अभी तो बहुत फिर आपने चीजें हैं अभी जो फिर आपने कहा बड़े बड़े नाम अभी सामने आने हैं, सर कितने बड़े हो सकते हैं? ये भी आपने कहा ना कि बतौर कोर कमांडर उनकी जो एक्टिविटीज थी उनके ऊपर भी, तो क्या वो जब सर्विस में थे इन यूनिफॉर्म थे
उससे कोई ताल्लुक हो सकता है, क्या हायरार्की में भी ये मामला जा सकता है? हाँ मैडम शेख, ये सुना जा रहा है, लेकिन ये है कि अभी जो लेटेस्ट हो रही हैं चीज़ें, इसके बाद वो कहते हैं कि एक दो चार दिनों में ये चीज़ें सामने आएंगी। इस वक्त तक ऐसा लग रहा है कि बड़े नाम आ सकते हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं, ये जो बड़े नाम हैं ये सिर्फ फौज से होंगे या फिर इनका ताल्लुक दीगर इदारों से या फिर सियासत से भी हो सकता है? जी हो सकता है, हो सकता है। वन वर्ड आंसर्स भट्टी साहब, अल्लाह की शान। मजीद आपसे सवाल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी, वो अलीना पहले ही 10 मिनट की तकरीर कर चुके हैं, आप 4 सवाल और पूछेंगी तो फिर शहजाद आप है वो नेटवर्क जो मेरे खिलाफ काम कर रहा है, ये है वो नेटवर्क मैडम शेख, ये उस वक्त से पहलू बदल रहे थे, चेहरा सुर्ख हो चुका है, जरा गौर से देखें। शहजाद आप मुझे बताए, बतौर सहाफी आपको भट्टी साहब की बातें सुनने के बाद कोई सवाल आप नहीं आए? मैं मार ही नहीं सकती यहाँ पे पैनल बैठी हुई, उनको तो ये उनको तो ये है कि ये मुझे करनी चाहिए थी, ये जो बात से तजिया निगार वगैरह, ये इस वक्त तो ये सोचना आपका एंकर बड़े जो है ना, कितने सवाल निकल रहे हैं, मैं तो इस तरह सोच ही नहीं रहा इस वक्त। अच्छा चले जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक, आज की डेवलपमेंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक तो फौज में साबिक फौजियों की 3 की गिरफ्तारियां, ऊपर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। महमल भट्टी साहब ने बड़ी बड़ी खबरें दी हैं हमें और कहते हैं आगे भी आने वाला बड़ा एक्शन हो सकता है इस सिलसिले में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा सियासी तौर पर, ये इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए लीना, पहली तो चीज़ ये है कि हमें मालूम है कि जनरल, और अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें क्योंकि सामने भी आ गई हैं, कि जनरल फैज का जो क्या किरदार था इमरान खान साहब की हुकूमत में आने से पहले भी उनको बचाने में, और उस इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान भी, और वो खाली जनरल फैज नहीं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त थी, यानी कि एक तो जनरल बाजवा ने जो एक इंटरव्यू दिया था उसके अंदर उन्होंने बनी गाला वाला पूरा वाकया बताया कि किस तरीके से बनी गाला के वो जो पेपर्स पूरे नहीं हो रहे थे, फिर साकिब निसार और जनरल फैज के दरमियान भी क्या बात हुई, अगर इमरान खान नहीं बचेगा तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इसलिए जो एंड के ऊपर जो है जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और इनको बचा लिया गया था। फिर जो हुकूमत के अंदर जो चीजें हुई, आपको याद होगा कि जब वो सेनेट के अंदर वो जो 64 लोगों का वोट था और फिर वो वोट किस तरीके से गायब हुए, उसके अंदर हासिल बिजिंजो साहब मरहूम ने जनरल फैज का नाम लिया था कि ये कौन लोग थे, जनरल फैज के लोग थे। अच्छा फिर उसके अलावा आपको याद होगा कि जब गिलानी साहब की जो सेनेट की सीट वो जीते थे तो उसके बाद एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया था इमरान खान साहब ने, और हुकूमत उस वक्त गिर जाती है, बातें बाद में खुलकर सामने भी आई, लेकिन फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इनके लोग पूरे किए, ISI ने इनके लोग पूरे किए। अच्छा उसके अलावा जो बजट पास करना होता था, ऐसी जो भी चीजें होती थी उसके अंदर किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट और ISI जो है वो लोग पूरे करती थी, और ये अब तो PTI के लोग भी बताते थे, और जो उस वक्त इनके एलाइज थे वो तो खुल के कहते थे कि हमें किस तरह से यहाँ लाया गया, क्या हुआ, तो ये सारी चीजें भी हमारे सामने है। फिर खैर खान साहब खुद भी बताते थे कि किस तरह से उनकी हुकूमत तो जनरल बाजवा चला रहे थे, और ये वाली चीजें भी। और फिर एक और चीज लीना कि जिस तरह जो बात उन्होंने की अफगानिस्तान से रिलेटेड के उसमें असासा थे, लेकिन आपको शायद याद हो कि 2022 में खान साहब ने बताया था कि उनको क्योंकि मालूम उनको पता चलना शुरू हो गया था कि जुलाई से ही कि उनकी हुकूमत गिराने का एक प्लान है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो जब तक ये सर्दियां ना निकल जाए। तो मुझे आप जरा ये पहली चीज तो बता दें कि एक प्रीमियर एजेंसी का जो ISI चीफ है उनका क्या काम है कि वो एक पॉलिटिकल आर्म ऑफ द गवर्नमेंट की तरह जो है वो इस तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये उन्होंने खैर काफी सहूलतकारी तो उन्होंने हुकूमत में होते हुए तो उन्होंने की। अब जो चीजें है लीना, अब वाली चीजें क्यों ये जरा तश्वीशनाक हैं, सीरियस एलिगेशंस भी हैं, क्योंकि ये तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो पॉइंट आउट तो करता है जनरल फैज की तरफ, और वो नुकसान का इसी से जो ताना बाना इसलिए जोड़ा जा रहा है कि अगर इनको कोई नुकसान होगा कि एक तो होती है पॉपुलैरिटी और दूसरी चीज होती है कि सिस्टम के अंदर कोई सपोर्ट हो, और वो सिस्टम के अंदर जो सपोर्ट है वो पोस्ट रिटायरमेंट जनरल फैज के बारे में जो बातें की जा रही हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि ये खतरनाक बात है और ये सीरियस भी है, क्योंकि ट्रेडिशनली तो हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स होते हैं वो खास जुडिशरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, सियासी जमातों के अंदर हो, मीडिया के अंदर हो, लेकिन वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स रहते हैं। इस तरह जो चीज देखी गई वो ये थी कि वही एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए,
तो ये जो चीज़ मतलब मेजॉरिटी उनमें से, सब लोग तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी उनमें से, और ये भी कहा जाता है कि उनका ताल्लुक जो था जाती तौर पे जनरल फैज के साथ था, तो ये एक यूनिक बात है कि एक शख्स जो रिटायर हो गया क्या उसके पास वाकई इतनी पावर या इन्फ्लुएंस थी कि वो सिस्टम में मौजूद लोगों को वो कंट्रोल कर रहे थे सर्विंग वालों से ज्यादा। तो इसका तो एविडेंस यानी कि ये जो इल्जाम जिस आपने भी अभी दोहराए कि वो कह रहे थे कि 9th में भी उनका उनका किरदार है और भी चीजों के अंदर उनका अगर किरदार है तो इसके ऊपर ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज है, तो इसका एविडेंस बिल्कुल सामने आना चाहिए और इसकी जब तक डिटेल सामने नहीं आएंगी तो जाहिर बात है हम इसके ऊपर कोई वाजे पोजीशन उस तरीके से नहीं ले सकते, लेकिन ये बड़ी खतरनाक और अनप्रेसिडेंटेड किस्म की जो है एलिगेशंस हैं। तो अगर अगर कोई ऐसी चीज है तो फिर सियासी नुकसान हो सकता है कि अगर वाकई सिस्टम के अंदर इस तरह की सपोर्ट थ्रू जनरल फैज कोई चीज थी या नहीं, तो ये हमारे सामने अभी आना बाकी है। अच्छा मजे साहब, ये एक रुझान या ये किस तरह से यकीन दिलाया जाए कि आज इस्टेब्लिशमेंट का मूड चेंज हुआ है, दूसरी पार्टी की तरफ है, तो ये सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई है, उस सिलसिले में आगे नहीं है फेस सेविंग, ये एक सीरियस एफर्ट है जिसके ऊपर फ्रूटफुल भी होगी है। देखिए बहुत दिलचस्प जो पोजीशन ली गई है कि पोस्ट रिटायरमेंट जनरल फैज की एक्टिविटी क्या थी, सवाल ये है कि प्री रिटायरमेंट जनरल फैज की एक्टिविटी क्या थी, और जब आप प्री रिटायरमेंट जनरल फैज की एक्टिविटी देखें तो फिर आप जनरल बाजवा की एक्टिविटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सिर्फ पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटी पर क्यों फोकस किया गया जबकि आर्मी एक्ट के तहत, आर्मी के कवानीन के तहत तो फ़ौज को सियासत में मुदाखलत करनी ही नहीं चाहिए। फ़ौजी जो जनरल्स हैं उनका पॉलिटिक्स में हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ आप इंस्टीट्यूशनल पोजीशन नहीं ले रहे, यहाँ आप ये फैसला नहीं कर रहे कि नहीं इन फ्यूचर ISI का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होगा, क्योंकि जनरल फैज हमीद ने ऐसा क्या मुख्तलिफ किया जो इससे पहले रहने वाले DGI ने नहीं किया। क्या जनरल पाशा का रोल कोई मुख्तलिफ था? क्या जनरल ज़हीरुल इस्लाम का रोल कोई मुख्तलिफ रहा? क्या जनरल हमीद गुल का रोल कोई मुख्तलिफ रहा? आपकी क्योंकि आपकी जो एक प्रीमियर एजेंसी है आपने इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व कर लिया कि उसकी वजह से यहाँ जो मुख्तलिफ हुआ, यहाँ मुख्तलिफ ये हुआ कि जो DGI थे और आर्मी चीफ थे उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट डिवेलप हुआ और उसके बीच में प्राइम मिनिस्टर थे। ये सिलसिला अक्टूबर में शुरू हुआ, अक्टूबर 2021 में, और उसके बाद की अगर आप सियासी एक्टिविटीज़ देखें, उसके बाद की एक्टिविटीज़ देखें तो आपको नज़र आता है कि एकदम ऑल ऑफ अ सडन PDM में हवा भर दी गई और PDM एकदम एक्टिव हो गई। वो PDM जो मुंतशिर थी, पीपल्स पार्टी अलग हो गई थी, PDM से बाकी जमातें अलग हो गई थी। यहाँ अक्टूबर में जब फाइल इमरान खान साहब दबा के बैठ गए जनरल फैज की ट्रांसफ़र की, तो वहाँ से एक कशीदगी का आगाज़ होता है और वहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है और वहाँ जो जी चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद जनवरी ऑनवर्ड्स क्या होता है, जनवरी 2022 ऑनवर्ड जो है वो चीज़ें कहीं कहीं देखा जा रहा है कि डैमेज को कंट्रोल किया जाए, जिसकी वजह से जनरल बाजवा से जाके उज़रा मिलते हैं। फिर जब 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक मूव होती है तो इमरान खान साहब को ये यकीन दिलाया जाता है कि ये तहरीक जो है नाकाम हो जाएगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ये एहसास होना शुरू होता है कि मामलात बिगड़ गए हैं और ज़ाहिर है ये मामलात उधर ही से थे। अब पोजीशन क्या है एज़ ए चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर का क्या ये इख्तियार नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर किसको चेंज करे किसको नहीं करे, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से ले कर दूसरे? लेकिन एक जो रिवायत रही है वो ये कि आर्मी चीफ अगर मूव करते हैं कि जी फलां जनरल को मुझे यहाँ से रिमूव करना है तो फिर उस चीज़ को ऑनर किया जाता है नॉर्मली। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बना, इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं दिसंबर 2021 तक जनरल फैज को रखना चाहता हूँ, जबकि जनरल बाजवा ने पोजीशन मुख्तलिफ ली उसमें और वहाँ चीज़ें जो है कशीदगी हमें नज़र आती है। फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पूरा आप सिनेरियो ले लें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में एक तरफ इमरान खान जिस तरह आज बयान दे रहे हैं कि जनरल फैज के हटाए जाने से मुझे लगा कि मेरी हुकूमत जा रही है, इसी तरह जनरल फैज के रहने से PDM को ये लग रहा था कि उनकी सियासत ख़त्म होने जा रही है, कि जनरल फैज को आर्मी चीफ बना देंगे इमरान खान और फिर PDM, और इसीलिए अदम एतमाद की तहरीक में हमें वो सारा
कैरेक्टर्स नज़र आते हैं। तो जब जनरल फैज का अगर ट्रायल होता है, मुझे नहीं पता कि बेसिकली किन चार्जेस पे होगा। भट्टी साहब ने कुछ बताए, देखिए 9 मई जो चीज़ें ना, 9 मई वाला मौके में तो ऑलरेडी बहुत से अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी। अब ये स्पेसिफिक ट्रायल अगर होगा तो क्या जनरल बाजवा के रोल को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं? क्या अगर उनका भी रोल होगा तो ये कितना हाई प्रोफाइल ट्रायल बन सकता है इसमें? और इसमें बहुत सी चीज़ें, और फिर अगर ये कॉन्स्पिरेसी की चार्जशीट बनती है तो इसमें बानी पीटीआई कहाँ फिगर आउट होंगे, उनके खिलाफ कौन से शवाहिद हैं, जनरल फैज और इमरान खान के दरमियान पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो मुलाकातें रही हैं नहीं रही हैं, कॉन्टैक्ट रहे नहीं रहे, ये सारी चीज़ें जब आएंगी एविडेंस के तौर पे, और हमारे लिए जो हम सब हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम ये होगी कि ये कोर्ट मार्शल होगा। कोर्ट मार्शल में आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि क्या सज़ा हुई, कोर्ट मार्शल के ट्रायल का आपको नहीं पता चलता कि ट्रायल क्या हुआ, किसने वो जाके शायद सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील होगी किसी स्टेज पे उधर शायद पता चले, तो कन्फाइंड होगा ट्रायल, सिर्फ ये चीज़ें पता चलेंगी। तो अगर बहुत ही हाई प्रोफाइल है तो एक अलग सिलसिला है, लेकिन इसका इसका वे आउट क्या है? वे आउट तो ये है कि आप एक हकायक कमीशन बनाएं, और हकायक ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो बनाएं, और इसको इसको आइंदा आने वाले वक्तों के लिए फिर आप ये तय करें कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के अंदर क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तय तो ये है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रखेंगे तो जैसे अभी आपने कहा कि क्या सिर्फ ये इंटेल एजेंसी तक ही था या फिर इससे ऊपर भी लेके जाएंगे जहां से वो अहकामात ले रहे थे, क्योंकि भट्टी साहब ने अगेन तफसीलात जो उनके पास मालूमात है वो शेयर करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एज अ कोर कमांडर यानी इन यूनिफॉर्म जब थे। भट्टी साहब ने तो पूरी चालान पेश कर दिया, भट्टी साहब की इत्तलात है, भट्टी साहब के जराए तो हैं, भट्टी साहब कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद भी इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के अहम डेवलपमेंट्स के सियासी असरात के ऊपर हम बात करें। शहजाद, आप कुछ ऐड करना चाहते थे? जी अलीना, ये डिस्कशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप और मैं कोई भी बैठ के ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कह सकता है कि जनरल फैज हमीद की जो मुदाखलत थी सियासत में, क्या वो पोस्ट रिटायरमेंट ज्यादा है या प्री रिटायरमेंट ज्यादा थी? तो ये बड़ा ऑब्वियस सा जवाब है इसका कि प्री रिटायरमेंट ज्यादा है, लेकिन उन चीजों को इस वक्त नहीं देखा जा रहा। अभी आप दो तीन हफ्ते की मिसाल ले लें, ख्वाजा आसिफ साहब आके दो तीन शोज पे इंक्लूडिंग शाहजेब खानजादा साहब के शो पे ये बता चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब जो है वो एक तो अपनी एक्सटेंशन के लिए ट्राई कर रहे थे, पीटीआई से भी मांग रहे थे, नून लीग से भी मांग रहे थे, फिर जैसे जैसे नवंबर करीब आता रहा तो वो पुश कर रहे थे कि फैज हमीद जो है वो आर्मी चीफ बन जाए, और फिर वो कहते हैं कि आखिरी तीन दिन पहले उन्होंने फैज हमीद साहब को सपोर्ट छोड़ के किसी और का नाम जो है पिच करना शुरू किया कि वो आर्मी चीफ बन जाए। अब आप सोच लें कि अगर इस हद तक जो है मुदाखलत है और लॉबिंग की कोशिश की जा रही है कि नया शख्स आर्मी चीफ ना बने या वो खुद बन जाए या उनकी पसंद का कोई बन जाए, जबकि इख्तियार वजीर आजम का है, तो फिर ये जो सारे मामलात आ रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अनुरोध करने के लिए तैयार हूं, तो फिर क्या रह जाता है इसमें? मतलब क्या हम यही सोचते रहेंगे कि करते रहेंगे कि हर दफा जो भी मदाखलत हो और इस तरह की लॉबिंग हो उसको आप नजरअंदाज करके आगे बढ़े? अगर आपने मसले को फॉर वंस एंड ऑल हल करना है तो फिर आपको अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, और जो जो उसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ आपने ये करना पड़ेगा। एक एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, ये जो बात कर रहे थे मुझे, क्योंकि मैं कराची में कोई 4-5 ऐसे लोगों से मिला था जो पीटीआई के बहुत सीनियर तरीन रहनुमा है और इमरान खान से बड़े करीब थे, उनको अरेस्ट किया गया, जब वो बाहर आ गए तो मैंने उनसे मुलाकात की मुख्तलिफ औकात पे जाके, उनमें से एक ने ये बताया था कि जब मैं जेल में था या कस्टडी में था तो उस वक्त मुझे शवाहिद दिखाए गए या मुझे बताया गया कि किस तरीके से जो 9 मई का वो सारा प्लान है वो एक बगावत की कोशिश थी, और जिन लोगों ने पहल की वो जनरल फैज के लोग थे, वो गए पहले, उन्होंने जो है जलाओ गिराव किया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो आए और उन्होंने उसमें फिर अपना हाथ डाला। अब ये उस रहनुमा ने बताया, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कि जो तमाम बातें थी, डू यू बिलीव इन इट, कि आपको यकीन है? उन्होंने कहा मुझे तो ये कंप्लीट एक पिक्चर बताई गई थी, जिसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि अगर ये वाकई बगावत की कोशिश थी और उसमें जनरल फैज और हमारी पार्टी मिले हुए थे तो फिर हम जो है मैंने जो है फिर सोच लिया कि मुझे पार्टी छोड़नी है। अब ये मुझे नहीं पता कि उनका जो अकाउंट है वो कितना दुरुस्त है या नहीं है, बट उनका ये कहना है कि मुझे ये स्टोरी बताई गई थी
जिस वजह से मैंने पार्टी छोड़ी। भट्टी साहब, अल्लाह के नाम पे ख्वाजा आसिफ साहब को बार बार हवालों के तौर पे ना इस्तेमाल किया करें। ये जो बाकी मजर साहब ने एक बात की कि ये चार शीट नहीं है सर, कोई 10-12 मुलाकातें की हैं, मैंने कोई 5-6 लोगों से मिला हूँ और उनमें से ये सुना जा रहा है, जो मैंने बार बार इस्तेमाल किया है कि ये जो कुछ मैंने कहा ये सुना जा रहा है, ये इल्ज़ाम है। अब और एंड पे मैंने कहा कि इनको प्रूव करना है और बड़े पुल सरात हैं और मैंने ये ज़ेहन में रखिएगा आने वाले दिनों में मजर भाई ये ज़ेहन में रखिएगा, अगर इसी तरह जो बताया जा रहा है चलेगा तो ये आज की खबरें डाउन हो जाएंगी, ये पीछे चले जाएंगी और इतनी बड़ी बड़ी चीजें सामने आने आ जाएंगी कि ये छोटी खबरें लगेंगी। क्या साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ एक्शन हो सकता है, इससे बड़ी तो खबर यही होगी ना मैडम शेख, वो क्या उसको कहते हैं ना कि क्या कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा क्या क्या एक मिनट, क्या मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है? डीजी आए वो गिरफ्तार हो गए ना, फिर उससे बड़ी क्या होगी? या तो आर्मी चीफ हो सकते हैं या फिर चीफ जस्टिस हो सकते हैं, क्या साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ होगा? देखिए बहुत कुछ मैंने कहा है ना जी भट्टी साहब, सुना जा रहा है बहुत कुछ, सुना जा रहा है बहुत कुछ, बात हो रही है अभी तक, दो दिन या तीन दिन जरा रुक जाए। जो कुछ देखे, जो कुछ मैं तो कहीं भी मौजूद नहीं था, जो कुछ बताया जा रहा है वो बड़ा डिफरेंट है, अभी देखते हैं क्या होता है। अलीना, मैं भी भट्टी साहब से एक सवाल कर लूं, भट्टी साहब ऑफ कोर्स जी, जो भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं ना अगले कुछ दिन के अंदर और ये सारी, तो फिर ये सारी बातें क्या इस बात की पेश खेमा है कि बेसिकली जो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम था एक, जिसमें एक पोस्ट रिटायरमेंट जनरल फैज का बहुत बड़ा किरदार था पीटीआई के लिए एक सिस्टम के अंदर सपोर्ट बेस होना, क्या ये फिर ये चीजें प्रूव होंगी भट्टी साहब इससे? पोस्ट रिटायरमेंट की बात कर रही हूँ, प्री रिटायरमेंट तो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली। जी जी, प्री रिटायरमेंट तो पेंडोरा बक्स अगर खुल गया तो सारी जमातें जो हैं वो उसके अंडर आ जाएंगी, वो तो बहुत रोला पड़ेगा। पोस्ट जो है उसमें वो जितने भी मीर जाफर मीर सादिक से लेकर 9 मई तक अच्छा। चला, उस हवाले से देखा जा रहा है। असल चीज क्या है, तो देखिए मसले की जड़ तो वही है ना। देखिए हम पूरी बहस में और जिस वक्त से जनरल फैज गिरफ्तार हुए उसमें टॉप सिटी को भूल गए। टॉप सिटी क्या रिफ्लेक्ट करती है कि कमर्शलाइजेशन जिस हद तक हमारे यहाँ लोग इन्वॉल्व रहे हैं कमर्शलाइजेशन में, ऐसे केसेस अंडर द कारपेट किए जाते हैं, कर दिए जाते हैं। रियल इस्टेट में कितना इन्वॉल्वमेंट है, मैं तो उस केस को बिल्कुल और दूसरे अंदाज में देखता हूँ कि जो कमर्शलाइजेशन ओवर द ईयर्स हुई है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। असल इम्पॉर्टेंट ये है कि या क्या जनरल फैज के खिलाफ ट्रायल पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज के हवाले से रहेगा या प्री रिटायरमेंट एक्टिविटीज भी आएंगी। अगर प्री रिटायरमेंट एक्टिविटीज आई तो ये हो नहीं सकता कि जनरल बाजवा का नाम फिगर आउट ना हो। मैमल बहुत मुख्तसर रखिएगा प्लीज अपना कमेंट। नहीं नहीं ना, मैं कहती थी कि ये टॉप सिटी वाली चीज के ऊपर तो यही कहा जा रहा है बेसिकली कि क्योंकि ये उनका व्हाइल ही वाज इन पावर उन्होंने जो अब्यूज ऑफ पावर की थी वो एज एन इंडिविजुअल यानी अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने की थी और जो बाकी चीजें इंस्टीट्यूशन के अंडर आ जाती है, तो ये बात दुरुस्त है। ये बात हम लोग तो यही कहते हैं कि जो उन्होंने इस तरह की चीजें मुदाखलत से ऐसी की उसकी बिल्कुल बाकियों के भी होने चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए और उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो इस सबके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन हमने दूसरा पहलू आपको याद है उस दिन बड़ी डिस्कशन भी हुई थी इधर कि जी जो इंस्टीट्यूशन के इकदाम थे उस पर नहीं कुछ किया जा सकता। अच्छा, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो आई थिंक भट्टी साहब क्योंकि आज बड़ी डिगिंग करके आए हैं तो बहुत सारे मेरे जहन में सवाल हैं, मुख्तसर वक्त है, क्या करूं मैं, मजबूर हूं। भट्टी साहब जल्दी से ये भी बता दें कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट सहूलतकारी हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के लिए, तो जो रिलीफ मिल रहा था उनको मुख्तलिफ सूरतों में, चाहे वो केसेस की सूरत में हो या बाकी सब कुछ, वो सहूलतकारी लेजिट हो रही थी वहां से उनकी, ये अब एस्टैब्लिश हो गया और इससे मुतालिक सबूत हैं? मैडम शेख, अदलिया के हवाले से अभी कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा। इसमें है मुल्की सलामती, मुल्की मफाद, पाक फौज, अदलिया के हवाले से अभी कुछ भी नहीं है। और ये जो आप कह रही हैं कि सहूलतकारी मिल रही थी, यकीनी हो गया है, ये अभी यकीनी तो तब होगा ना जब सजा होगी, सारी चीजें सामने आएंगी। आपने कहा ना सर, आपने कहा ना अभी, एक मिनट, मैं नहीं कह रही, आपने हमें कहा कि वो सारे रिकॉर्ड्स जो आए हैं मैडम शेख, ये सीरियस अगर चीज, ये जो इल्जाम है ये, मैं एक सेकंड सर, वो आपने कहा ना कि वो सारे उनको सबूत मिले हैं जो कंप्यूटर्स वगैरह जो
दफ्तर पे छापे मारे, वहां से मोबाइल फोन्स मिले हैं? जी जी बिल्कुल 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 बताया जा रहा है, बिल्कुल सबसे सीरियस इसमें जो बताया जा रहा है कि चकवाल के घर से कोई सेफ बरामद हुआ है और उस सेफ में बड़ा कुछ है, पता नहीं वल्ला आलम, अब ये बताया जा रहा है। अच्छा मजे साहब, सबसे जो अहम चीज होगी वो ये कि ये ट्रायल किन चार्जेस पर होगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा, क्या ये सेडिशन का केस बनेगा बिल्कुल सही या ट्रीजन का बनेगा बिल्कुल सही। सर वो तो अभी आगे जाके ना, अभी ये इस वक्त तो जो सहूलतकारी से मुतल्लिक या सियासी गठजोड़ अब तक कारी से मुतल्लिक बातें हो रही हैं, इसमें ये जानना बड़ा ज़रूरी था कि फौरी तौर पर इसके सियासी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। हमारे जो तज्जियाकार हैं ज़रा बटी हुई राय उनकी आ रही है, बहरहाल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें आज मिली, मज़ीद भी भट्टी साहब से हम कहेंगे, अपने बाकी तज्जियाकारों से कहेंगे कि ज़रा क्या सिलसिला हो रहा है उसके ऊपर उनका तज्जिया तबसरा भी जानेंगे, बट आज के लिए इजाज़त दें। Love is.